दोस्तों, क्या आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या अंतर है, और मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, वीजा कार्ड, ये सब क्या है? अगर नहीं पता तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक यादव और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीपल टीवी पर। दोस्तों, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों दिखने में तो सेम है, लेकिन इनके पीछे का मामला बहुत ही अलग है। तो आइए पहले जानते हैं कि डेबिट कार्ड क्या है। दोस्तों, डेबिट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसका यूज करके आप एटीएम मशीन से पैसे निकाल सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं और किसी को पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके जरिए आप उसी पैसे को यूज कर सकते हैं जो कि आपके खुद के हैं और आपने उसे बैंक में जमा करके रखे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि बैंक आपसे बोल रहा है कि आप अपने पैसे को हमारे यहाँ जमा करवा दीजिए और हम आपको एक प्लास्टिक कार्ड बना के दे रहे हैं, जिससे कि आपको जब जरूरत पड़े तो आप उस कार्ड के जरिए अपने पैसे को खर्च कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड भी डेबिट कार्ड की तरह एक प्लास्टिक कार्ड है जिसका यूज़ करके आप पेमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड लेने का मतलब ये है कि बैंक आपको लोन दे रहा है और इससे आप जब चाहे तब पेमेंट कर सकते हैं, चाहे आपके अकाउंट में बैलेंस हो या फिर ना हो। लेकिन इस कार्ड को लेने के बाद बैंक आपसे कुछ मेंटेनेंस चार्ज लेता है। हालांकि मेंटेनेंस चार्ज डेबिट कार्ड पर भी लगता है, लेकिन इस पर कुछ ज़्यादा ही मेंटेनेंस चार्ज लगता है। और जब भी आप क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालते हैं या फिर किसी को पेमेंट करते हैं तो उसकी कुछ वैलिडिटी होती है कि इतने दिन के भीतर आपको पैसे वापस करने होंगे, नहीं तो उस पर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जाएंगे। बैंक हर किसी को क्रेडिट कार्ड नहीं देता है। क्रेडिट कार्ड देने के लिए पहले आपके अकाउंट को चेक किया जाता है कि उसमें अकाउंट बैलेंस कितना है, उसमें हर महीने कितने पैसे क्रेडिट होते हैं और ये पैसे कहाँ से क्रेडिट होते हैं। इससे ये सब चेक करने के बाद जब बैंक को ये लगता है कि हाँ, ये आदमी बैंक के पैसे को लेने के बाद उसे वापस कर सकता है, तभी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड इश्यू करता है। लेकिन मेरी सलाह तो ये है कि आप क्रेडिट कार्ड लो ही मत, क्योंकि जितने पैसे आपके पास हैं नहीं उतने पैसे आप खर्च कर दोगे तो कल को जब पैसे भरने पड़ेंगे तो आप भरेंगे कहां से। क्रेडिट कार्ड आपको तभी लेना चाहिए जब आपको इसकी ज्यादा जरूरत हो, जब आपको लगे कि हाँ, मैं आज इस पैसे को खर्च कर देता हूँ और कल मेरे पैसे आ जाएंगे तो मैं इसको चुका दूंगा। तो ये तो रहा कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड क्या होता है और इसमें क्या अंतर होता है। अब आइए जानते हैं कि मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड और वीजा कार्ड क्या होते हैं। दोस्तों, रुपे कार्ड, मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड ये तीनों ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं, जिसमें से मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड ये दोनों विदेशी कंपनियां हैं जिनका इस्तेमाल इंटरनेशनल लेवल पर किया जाता है। ये कंपनियां दुनिया के लगभग 200 देशों में अपनी सर्विस को प्रोवाइड करती हैं, जबकि रुपे कार्ड एक इंडियन कंपनी है और इसका इस्तेमाल सिर्फ इंडिया के भीतर ही ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है। अगर आप मास्टर कार्ड या फिर वीजा कार्ड का इस्तेमाल ट्रांजैक्शन के लिए करते हैं तो इसकी स्पीड आपको थोड़ी सी स्लो देखने को मिलेगी, क्योंकि इसकी हेड ऑफिस यूएस में है, वहां से डेटा ट्रांसमिशन होता है और आपकी डिटेल्स को चेक करके आपको ट्रांजैक्शन की अनुमति दी जाती है और इसमें आपको ट्रांजैक्शन चार्ज भी ज़्यादा देना पड़ता है। वहीं अगर आप ट्रांजैक्शन के लिए रुपे कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा स्पीड मिलेगी, क्योंकि इसको सब कुछ इंडिया के भीतर ही करना है और इसमें आपको ट्रांजैक्शन चार्ज भी कम देना पड़ता है। वीजा कार्ड की शुरुआत हुई थी 1958 में, मास्टर कार्ड की शुरुआत हुई थी 1966 में और वहीं रुपे कार्ड की शुरुआत 2014 में हुई थी। आज के समय में आपको बैंकों से रुपे कार्ड ही प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन अगर आप वीजा कार्ड या फिर मास्टर कार्ड की मांग करते हैं तो वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको हमेशा ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें तो अभी के अभी वीडियो के नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।